Hi guys, मेरे चैनल हैप्पीनेस कंपनी में एक बार फिर आपका स्वागत है. मेरा नाम सोनाली है और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाली हूँ, पैसा, मनी. एंड यू नो, अगर आप इस बारे में सोचें तो कई बार ऐसा लगता है कि पैसा कितना ज़रूरी है लाइफ में सुकून से जीने के लिए, खुश रहने के लिए. पर किसी ने ये भी सही कहा है कि खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती. कभी आपके पास बहुत पैसा हो और आपकी आपकी सोशल लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही हो तो वो पैसा काम नहीं आएगा. इफ़ यू हैव इनफ मनी टू मीट योर एंड्स, मतलब अगर आपकी सारी ज़रूरी चीज़ें पूरी हो जाएं, नीड्स मीट हो जाएं, तो उसके ऊपर जो भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है वो एक आपके लिए रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत तो पूरी हो चुकी है और उस पैसे से आप कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा खरीद सकते हैं, जैसे कि एक नई कार, एक नया घर. और उससे आपको थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल सकती है, मे बी एक मंथ, टू मंथ्स, टेन मंथ्स. बट यू नो, इन डेली लाइफ जब आप खुशियों के बारे में सोचेंगे और अगर आप अपनी सारी ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर चुके हैं तो आपको पैसे से उतनी खुशियाँ नहीं मिलेंगी. दैट्स वाई वी से कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस. यू नो, कितनी अजीब बात है ना, जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं जैसे कि फैमिली, रिलेशनशिप्स, वो आप पैसे से खरीद नहीं सकते. पर ये भी सच है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा ऑफन विज़िट कर सकते हैं, आप सोशल गैदरिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, आप कुछ ऐसे इवेंट्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, जो अगर आपके किसी फ्रेंड को नीड हो उसको हेल्प कर सकते हैं. और इन सारी चीज़ों से भी आपको खुशियाँ मिलती ही हैं. तो आपके पास पैसा होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस पैसे का यूज़ कैसे कर रहे हैं. हाउ आर यू यूटिलाइजिंग एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी इन योर सेल्फ. अगर आप उस पैसे को अपने लिए कोई नई स्किल सीखने में लगा देते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए दे देते हैं, या फिर आप सोशल वर्क या चैरिटी में देते हैं, या फिर आप उस पैसे से अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो वो पैसा आपको ज़्यादा खुशी देगा. मैं देखती हूँ आजकल सारे के सारे और हम सारे लोग पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लव्ड वंस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते. कई कई लोग तो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अपने घर से ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस के लिए, एंड दे हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर फैमिली बिकॉज उनको ट्रैवलिंग में सारा टाइम चला जाता है एंड दे वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर मनी. बट कभी आपने नोटिस किया है कि हर दिन जो निकलता जा रहा है और आपने, अगर आप हर दिन में खुश नहीं हैं तो एक्चुअली वो टाइम, वो दिन वेस्ट हो गया. यू आर नॉट रियली हैप्पी इन योर लाइफ व्हेन यू नो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इन लर्निंग. मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दें, आप उस चीज़ को अपने लिए कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लर्न करने में लगाएं, और तभी वो पैसा आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है. बिकॉज़ एक कार खरीदने के बाद एक हफ्ता तो आप खुश रह सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो कार आपको हमेशा हमेशा खुश नहीं रख सकती. आप अपने ओरिजिनल लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे वापस आ जाते हैं. एंड ये एक सोचने की बात है. मैं कभी कभार अपने आप से सवाल पूछती थी कि आज मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं क्या करूँगी, मैं ये चीज़ें खरीदूँगी. पर एट दी एंड ऑफ द डे जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, तो वो जो खुशी होती है उस खुशी को पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में सोचें. आप अपनी लाइफ का एक मिनट अपने ऊपर ये सवाल अपने आप से करने में स्पेंड करें कि क्या आप अपने पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या वो पैसा आपको वो खुशी दे पा रहा है जो जिसके लिए आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं. अगर नहीं तो वो छोटे छोटे चेंजेस आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं. यू कैन मीट फ्रेंड्स, आप दोस्तों को सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, गली क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय स्पेंडिंग मनी. नॉट रियली बाइंग यूजिंग मनी, बट अगर आप सही तरीके से पैसे को अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी का राइट यूटिलाइजेशन है. And that's what this whole episode is all about. Spend
स्पेंड योर मनी वाइजली एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन लर्निंग. अपने आप पर पैसा खर्च करें, अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट करें, कुछ अच्छा सीखें और कोशिश करें कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो मोमेंटरीली हैप्पीनेस के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुश महसूस कर सकें. सो टिल देन आई विल कम बैक विद एन एक्साइटिंग एपिसोड नेक्स्ट वीक. Till then, thank you so much for watching, guys. This is Sonali, and you're watching The Happiness Company.